हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। बीएससी सेकंड ईयर स्टैटिस्टिकल एंड थर्मो बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट कर। तो कल तक हमने स्पेसिफिक हीट के लिए तीन थ्योरीज थी, डिलोंग पैटर्स लॉ, आइंस्टीन थ्योरी, और लास्ट वाली थ्योरी है हमारी डेबाय थ्योरी, जिसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हो। और अगर क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट आपके एग्जाम में आए तो आपको डिलोंग पैटर्स लॉ करना है। तो डेबाय थ्योरी हमने लास्ट में किया हुआ, थोड़ा सा रिवीजन में ले लेते हैं और उसके बाद आज उसी को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। डेबाय थ्योरी एग्जाम में ये भी आ सकता है कि डेबाय थ्योरी फॉर क्लासिकल हीट एक्सप्लेन करो, या सीधा डेबाय थ्योरी लिखा भी आ सकता है, या मॉडर्न थ्योरी ऑफ फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। ठीक है, डिलोंग पैटर्न को थोड़ा सा रिवीजन में लेते हैं और फिर आज वाले टॉपिक को आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हर एक टॉपिक में कुछ अजम्पशंस थे, जब टॉपिक आएगा आप थ्योरी के बिना ये टॉपिक नहीं कर सकते, सिर्फ डेरिवेशन के बेस पे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। इसके पहले अजम्पशंस लिखने पड़ेंगे कि आइंस्टीन ने ऐसा माना था और आइंस्टीन की क्या गलती थी, जो मैंने आपको कल बताई थी उसी को ओवरकम करने के लिए डेबाय थ्योरी आई थी, और डेबाय थ्योरी के जो रिजल्ट आएंगे वो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल दोनों मैच करेंगे। तो अब तक इतने लेक्चर्स में हम यही कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल में क्या है, सीरीज प्रोपोर्शनल टू टी की क्यूब एट लो टेम्परेचर। ये चीज आपको याद होनी चाहिए अब कि लो टेम्परेचर पे ऐसा केस आना चाहिए और एट हाई टेम्परेचर कैसा आना चाहिए। टेम्परेचर को मैं टेम्प लिख रही हूं, एट हाई टेम्परेचर हमारे पास सीवी कैसा आना चाहिए, कॉन्स्टेंट आना चाहिए, जो कि डिलोंग पैटर्न लॉ भी फॉलो कर रहा था और कौन भी कर रहा था, आइंस्टीन थ्योरी। सीवी इज इक्वल्स टू 3R constant, ठीक है? At high temperature, CV is equal to T के proportional to T की क्यूब है, लेकिन practically थोड़ा और देखें तो CV की value कुछ ऐसे आती है, AT की क्यूब plus BT square, या CV is equals to AT की क्यूब, मतलब कुछ ना कुछ constants के साथ T की क्यूब, T square, ऐसा करके कुछ आता है। आपके लिए याद करने के लिए इतनी चीज ये कि CV low temperature पे जिन solids के लिए या crystal के लिए CV की value, specific heat की value low होती है, आप practically भी देख सकते हो कि एक यूनिट मास का टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस से एक केल्विन बढ़ा है। तो जब जिनको कम टेम्परेचर चाहिए था, जिनका एक यूनिट मास एक डिग्री सेल्सियस के लिए पहुंच जाता था, उनका जो सीवी की वैल्यू थी वो टी की क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रही थी स्पेसिफिक हीट की। तो ये इस तरीके से आता है, ए टी की क्यूब बी टी स्क्वायर। लेकिन इसको आप याद मत रखो, आप सीधा ये याद रखो लो टेम्परेचर पे ऐसा होगा, हाई टेम्परेचर पे सीवी इज इक्वल टू 3R कॉन्स्टेंट आ जाता है। देखो अब लेक्चर्स को आप कंटिन्यू लगाने का ही फायदा है, अगर आप कंटिन्यूली लगवाते हो तो आपको किसी चीज का मतलब नहीं पता होता। हर एक लेक्चर में पीछे वाले लेक्चर की कुछ ना कुछ बातें यहाँ पे हम रिपीट करते हैं, तो उसके लिए आपको ये चीज तो अब याद होगी अभी चाहिए कि लो टेम्परेचर पे सीवी टी की क्यूब की आना चाहिए और हाई टेम्परेचर पे 3R की आना चाहिए। अब तक जितने भी दो किए थे, आइंस्टीन किया या डिलोंग पैटर्न किया, सीवी 3R के इक्वल तो आता है लेकिन टी की क्यूब के प्रोपोर्शनल नहीं आता, हमें वही आज प्रूफ करना है। और अगर डेबाय की थ्योरी इसके इक्वल आती है, ये दो चीजें सेटिस्फाई करते हैं, तो मतलब डेबाय की जो थ्योरी है वो सही थ्योरी है, तो इसको करते हैं। तो डेबाय ने क्या बोला था, सबसे पहली चीज क्या थी, क्रिस्टल कैसा है, होमोजीनियस, कंटिन्यूस, कैसा होना चाहिए क्रिस्टल, समांगी और सतत होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, इलास्टिक भी होना चाहिए। तीसरी चीज इसने क्या मानी थी कि क्रिस्टल जो होगा वो किसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे, और उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को न्यू डी से डिनोट किया था डेबाय ने, और उसको बोला क्या था डेबाय ने, डेबाय कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, डेबाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मैं फ्रीक लिखूंगी, या डेबाय कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो ये चीजें मैं बहुत डीप में कल एक्सप्लेन किया, इसीलिए मैं आज सीधा लिख रही हूँ। तीसरी चीज इसने क्या मानी थी, ऑसिलेशन कैसे होंगे, कपल्ड ऑसिलेशन होंगे। कैसे कपल्ड ऑसिलेशन होंगे, तो वो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूं, ठीक है। कपल्ड ऑसिलेशन कैसे होते हैं कि ये एक सॉलिड है, एटम कैसे हैं, बहुत पास पास है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। अगर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है तो इतने पैकिंग में होने के बाद, जैसा कि आइंस्टीन ने माना था कि अगर ये एटम वाइब्रेट करेगा तो इसका इसके आसपास वाले एटम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन
डिवाई ने क्या देखा, या अगर हम भी सोचे कि अगर इतनी क्लोज स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर एटम इतने पास पास पड़े हैं, कोई एक एटम वाइब्रेट कर रहा है अपनी पोजीशन से मूव कर रहा है, तो क्या इनकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो यही चीज आइंस्टीन ने यही चीज गलत ली थी, जिसके कारण आइंस्टीन की थ्योरी गलत हुई थी। फिर डिवाई ने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऑसिलेशन कैसे होंगे, कपल्ड ऑसिलेशन, मतलब अगर एक कोई भी एक एटम अपनी मेन पोजीशन से हिलता है तो उसके साथ वाले एटम के ऊपर भी कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, वो भी ऑसिलेशन शो करेंगे। जैसे इसने अपनी पोजीशन चेंज की तो इसके साथ वाले भी पोजीशन चेंज करेंगे। अब अगर ये पोजीशन चेंज करने लग गया तो उसके कॉन्टेक्ट में ये भी पड़ा, ये भी चेंज करेगा। ये इसने किया तो उसके कॉन्टेक्ट में उसके ऊपर वाले भी करेंगे, ये भी करेंगे। इसीलिए ऐसे ऑसिलेशन को कपल्ड वाला, कपल्ड या इसको हिंदी में बोलते युग्मित दोलित्र, मतलब सबके सब ऑसिलेशन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आइंस्टीन ने गलत माना था। आइंस्टीन ने कहा था कि किसी ऑसिलेशन का एक दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं है। तीसरी चीज इसने क्या बताई थी हमें, नॉर्मल मोड बताई थी। नॉर्मल मोड्स क्या होते हैं कि एटम के सारे कपल्ड ऑसिलेशन कर रहे हैं, मतलब ग्रुप के अंदर सारे सारे एटम मूव कर रहे हैं, तो एटम्स के उस ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी आवृत्ति को नॉर्मल मोड या फिर प्रसामान्य विधा बोलेंगे। तो प्रसामान्य विधा क्या किसे कहते हैं, परमाणुओं के समूह की आवृत्ति को प्रसामान्य विधा बोलते हैं। क्यों आई, क्योंकि एटम क्या कर रहे हैं, कपल्ड ऑसिलेशन शो कर रहे हैं, मतलब सारे के सारे एटम एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं एक सॉलिड के अंदर। अगर क्रिस्टल के अंदर सारे के सारे एटम एक साथ ऑसिलेशन कर रहे हैं, मतलब सबके ऑसिलेशन जुड़े हुए हैं, सबके ऑसिलेशन जुड़े हुए, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ एटम का समूह मोशन कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है ना। क्योंकि अब एक परमाणु, एक सोलर में एक परमाणु तो है नहीं, क्रिस्टल ले रही हूँ, मतलब बहुत सारे क्रिस्टल, बहुत सारे एटम्स हैं, एटम से मिलकर ही क्रिस्टल बनते हैं ना। अब इतने सारे एटम अगर एक साथ ऑसिलेशन कर रहे हैं तो उसको हम ये बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स ऑसिलेशन कर रहे हैं, और ग्रुप ऑफ एटम की ही फ्रिक्वेंसी को, की ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी को ही बोलते हैं नॉर्मल मोड प्रसामान्य विधा। टोटल अगर हमारे पास इसने चौथी चीज क्या मानी थी, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, डिवाई ने इसका अगला पोस्टुलेट क्या था, ये अजम्पशन क्या थी, पांचवा पॉइंट इसका क्या था, इसने क्या माना, अगर किसी सॉलिड के अंदर n एटम है तो टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल मोड्स कितने हो जाएंगे, 3n। 3 किसको शो कर रहा है कि एक एटम फ्रीली तीन डायरेक्शंस में इजीली मूव कर सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ एक एटम के लिए नॉर्मल मोड्स कितनी होगी, 3, और अगर n एटम्स है तो 3n टोटल नॉर्मल मोड्स आएंगे। नॉर्मल मोड कपल्ड ऑसिलेशन के लिए थी और हमें नॉर्मल मोड पता नहीं थी क्या होती है, और इसने, मैंने आगे बताती हूँ, फिर इसको अपनों ने फाइंड आउट भी किया था कल वाले लेक्चर में। इसने छठा पॉइंट क्या माना था कि क्रिस्टल के अंदर सारे के सारे एटम के अगर वो एक साथ ऑसिलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो हीट हम बाहर से दे रहे थे वो हीट हर एक एटम के पास कंटिन्यूसली इक्वली अमाउंट में पहुंच रही है। मतलब कैसी वेव का ट्रेवल हो रहा है, इलास्टिक वेव्स का। क्या माना इसने कि सॉलिड के अंदर सारे के सारे एटम क्या कर रहे हैं, एक साथ ऑसिलेशन कर रहे हैं, मतलब हीट अपने इस पॉइंट से देनी शुरू की थी, ये भी ऑसिलेट कर रहे हैं, ये वाले एटम भी कर रहे हैं, ये वाले भी एटम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अगर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में कोई एक एटम अपनी मेन पोजीशन से मूव करता है यानी ऑसिलेशन करता है, तो उसके साथ जुड़े हुए दूसरे एटम भी अपने आप बाय डिफॉल्ट उनका ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हीट इस डायरेक्शन से देनी शुरू की थी तो क्रिस्टल के सारे एटम ऑसिलेशन करने शुरू किए, मतलब इलास्टिक वेव्स का ट्रैवल हो रहा है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। तो फिर आगे हमने इसको करते हैं, आगे मैंने आपको क्या बताया था, हमें टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल मोड्स निकालने और इलास्टिक वेव्स कैसी हो सकती है। हमें पता है वेव्स दो टाइप की होती है, एक होती है ट्रांसवर्स, ट्रांस लिख रही, और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल, इसको मैं लॉन्गी लिख रही हूँ, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल में अपने को पता है, एक के अंदर तो जो कण होते हैं रेख संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, और एक के अंदर क्या करते हैं, आगे पीछे मोशन करते हैं। ये होता है ना ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, एक के अंदर तो जो पार्टिकल होते हैं वो ऊपर नीचे मोशन वाइब्रेट करते हैं, और एक के अंदर आगे पीछे लेफ्ट राइट वाइब्रेट करते हैं। तो जो ट्रांसवर्स होती है वो हमेशा जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल के डबल होती है हमेशा। इसीलिए जो मैंने जेड का फॉर्मूला लिखा था, जेड न्यू डी न्यू, वो फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा, अगली बड़ी क्लासेस में आपके लिए आएगा, जेड न्यू डी न्यू। अगर आप मास्टर्स करते हो, कुछ और करते हो, एक पर्टिकुलर स्टैट के अंदर तब आएंगे अपने पास। उसकी वैल्यू होती है 4πv2/vt³+1/vl³ν² dν। एक आधी बार आप टॉपिक को देखोगे ना ढंग से, ये फॉर्मूले कुछ भी नहीं है, 5 मिनट में याद हो जाएगा आपको ऐसी चीजें। ये किसके अंदर, म्यू एंड
न्यू प्लस डी न्यू रेंज के अंदर नॉर्मल मोड्स थी, और अपने को क्या निकालनी है, टोटल नॉर्मल मोड्स। टोटल नॉर्मल मोड्स कैसे निकलेंगी, अपने को पता है टोटल नॉर्मल मोड्स आइंस्टीन ने अपने अजम्पशन से कितनी बताई, 3n टोटल नॉर्मल मोड्स थी। ये नॉर्मल मोड है ना, 3n अगर टोटल नॉर्मल मोड है ये 3n लिख दिया, ठीक है। टोटल नॉर्मल मोड्स कितनी है, 3n है। तो मुझे पता है नॉर्मल मोड्स है क्या, एक टाइप की फ्रीक्वेंसी है, और डिबाई ने क्या बोला, डिबाई फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो टू मैक्सिमम कोई भी एटम ओसिलेट कर सकता है। उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को डिबाई ने क्या बोला, डिबाई फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यूटन से शो किया, उसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो मतलब नॉर्मल मोड्स भी एक टाइप के ऑसिलेशंस थे। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल मोड चाहिए तो मैं इंटीग्रेशन कर सकती हूँ कहां से कहां तक, तो लिमिट भी पता है मुझे, मिनिमम टू मैक्सिमम जाएगी जीरो टू न्यूटी, और वो मैक्सिमम न्यूटी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिबाई फ्रीक्वेंसी। डिबाई आवृत्ति क्या होगी, डिबाई कट ऑफ आवृत्ति क्या होती है, वो अधिकतम आवृत्ति जिसके ऊपर कोई एटम ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। डिबाई के हिसाब से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर एटम किसी सॉलिड के अंदर ऑसिलेट करेंगे, उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को डिबाई फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल मोड्स बताने थे, नॉर्मल मोड थी क्या, एक तरीके से आवृत्ति थी, ग्रुप ऑफ एटम्स की फ्रीक्वेंसी थी, तो उसको मैं न्यूटी, जीरो टू न्यूटी इंटीग्रेशन करके निकाल सकती हूँ। तो 4πv 2 अपॉन vt की क्यूब प्लस 1 अपॉन vl की क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू, और टोटल नॉर्मल मोड्स उसने हमें बताए हैं 3n है। देखो ये तो जेड न्यू डी न्यू की वैल्यू आ गई। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें क्या चाहिए, ई, हम टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ जितने ऑसिलेशन होते हैं इतनी इंटू ई बार। अब मेरे को जितने ऑसिलेशन थे वो पर्टिकुलर निकल गए क्योंकि वेव्स की फॉर्म में आ रहा, और कपल्ड ऑसिलेशन, और कपल्ड ऑसिलेशन के कारण कपल्ड ऑसिलेटर के लिए ई बार कितनी होती है, कपल्ड ऑसिलेटर आपके पेपर में नहीं है, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ई बार का वैल्यू होती है एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू ओवर में के टी माइनस वन होती है। जितने बाकी क्वांटाइज ऑसिलेटर आते हैं या SHO आते हैं उनके लिए मैंने आपको ड्राइव करवाई है। SHO के लिए मैंने अलग से टॉपिक भी लिया हुआ है, एक पूरी लेक्चर गया हुआ है SHO पे, तो वहाँ पे आप देखो आपको पता चलेगा आप उन्होंने कैसे किया है। तो यहाँ से ये E बार आ गया, अब ये E बार हमारे पास आ गया और मेरे पास 3n भी आ गया, और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगी क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू आगे रखनी है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके बता रही हूँ, मैं आपको करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने कल बता दिया आपको। 2 अपॉन vt की क्यूब प्लस 1 अपॉन vl की क्यूब न्यू d का क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3n, और मुझे इस चीज की वैल्यू चाहिए, और इस चीज की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 9n अपॉन न्यू d की क्यूब, क्या किया ये 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, न्यू d की क्यूब इधर आ गई, यहाँ पे किसकी वैल्यू हुई, 4πv 2 अपॉन vt की क्यूब प्लस 1 अपॉन vl की क्यों, मुझे ये रिलेशन चाहिए आगे इसकी वैल्यू रखने के काम आए, इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया। लेकिन हम वहां से ही करेंगे जैसे हम हर टॉपिक में करें, क्योंकि हम एनर्जी क्या निकालते हैं, क्योंकि अपने को पता है CV इज इक्वल्स टू DE अपॉन DT होता है, तो मेरे पास E की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, मुझे 3N की वैल्यू भी पता है और कपल ऑसिलेशन के लिए E बार की वैल्यू भी पता है। तो आगे से कल वाला टॉपिक यही से ही है, टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू 0 टू न्यू D जेड न्यू, ई बार की वैल्यू भी लिख देती हूँ मैं, जिसकी वैल्यू क्या है, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन डॉट डी न्यू, यही किया ना, ई क्या 3n, ई बार 3n की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 टू न्यू डी जेड न्यू डी न्यू, यही लिखी है मैंने 3n की वैल्यू, ये नहीं, ये तो जेड न्यू डी न्यू, ये नहीं, ये जेड न्यू की वैल्यू है, ये जो मैंने यहाँ पे लट की थी जेड न्यू डी न्यू के इक्वल है, जीरो टू न्यू डी इंटीग्रेशन के इक्वल, मैंने यही चीज लिखी है। और ई बार की वैल्यू अपने पास पता है कपल्ड ऑसिलेशन के लिए कितनी होती है, एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू ओवर में के टी माइनस वन, तो वो वैल्यूज मैंने यहाँ पे रखी है। अब उसको सॉल्व करते हैं, मुझे ई चाहिए, ई इज इक्वल्स टू 0 टू न्यू डी 4πv जेड न्यू की वैल्यू रख रही हूँ। देखो अब तक आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, फोर बाई वी टू अपॉन वी टी की क्यूब वन अपॉन वी एल की क्यूब इंटू न्यू स्क्वेयर
इंटू एच न्यू अपॉन ए की पावर एच न्यू ओवर में के टी माइनस वन डॉट डी न्यू। कॉन्स्टेंट टर्म्स को बाहर ले लेती हूँ और जो नॉन कॉन्स्टेंट्स है जिसके रिस्पेक्ट हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है उसको अंदर रख लेते हैं। तो मुझे पता है 4π2πvt और ये सब कॉन्स्टेंट और एक एच कॉन्स्टेंट है, तो मैं इन सब चीजों को बाहर लिख लेती हूँ। 4πvh, h इधर लिख दिया, 2 अपॉन vt की क्यूब प्लस 1 अपॉन vl की क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू न्यू डी, न्यू की क्या आ जाएगी, क्यूब हो जाएगी, एक न्यू स्क्वायर ये रहा, एक न्यू ये रहा, तो न्यू की क्यूब अपॉन e की पावर h न्यू ओवर में kt माइनस 1 डॉट डी न्यू। अब इसको सॉल्व करने के लिए कल अपनों ने क्या लेट किया था, h न्यू ओवर में kt क्या मैंने माना था, x माना था। अगर h न्यू ओवर kt x है तो यहां से न्यू क्या आएगा, न्यू क्या आएगा, kt x अपॉन h। अब मुझे यहां पे डी न्यू की टर्म्स में लेके आना है तो मैं डी न्यू लिख देती हूं, इधर ये चीजें मैं एक बार रब कर रही हूं। देखो मेरे पास, मेरे को क्या चाहिए, x है मेरे पास, यहां से मेरे पास न्यू और ये विद रिस्पेक्ट टू डी न्यू चल रहा है, तो मुझे डी न्यू को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, dx के अंदर। तो यहां से डी न्यू की वैल्यू क्या आएगी, kt अपॉन h डॉट dx। देखो डी न्यू की वैल्यू ये आ गई, और सिमिलरली अगर मैं इसको और सॉल्व करूं, मुझे लिमिट्स लगानी है, तो मैंने आपको लिमिट्स फिगर बताई थी, अगर न्यू इज इक्वल्स टू जीरो देन एक्स भी जीरो, क्योंकि इधर वैल्यू रखो, न्यू जीरो रखी तो एक्स की वैल्यू क्या है, ऑटोमेटिकली जीरो, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। और सिमिलरली जब न्यू इज इक्वल्स टू न्यू डी, तो यहाँ से एच न्यू डी अपॉन के टी, तो मैं एक्स को किससे शो कर लेती हूँ, एक्स डी से, ताकि इतना बड़ा लिखने के बजाय हम एक्स डी लिखते, ठीक है। तो फिर लिमिटेशन, लिमिट लगाने के बाद अपने पास एनर्जी क्या बनी, 4πvh2 अपॉन vt की क्यूब प्लस 1 अपॉन vl की क्यूब इनटू 0 टू xg हो जाएगा अब लिमिट, क्योंकि मैंने जो वैल्यू आई थी उसको xg मान ली, 0 टू xg लिमिट, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखूंगी न्यू की क्यूब की, तो न्यू की वैल्यू क्या, kt इधर लिख रही हूँ मैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, क्योंकि उधर इतना बड़ा पूरा नहीं आएगा, नीचे लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 टू, आप अपने नोटबुक में आपके पास स्पेस होगा तो आप उसके हिसाब से लिखना, 0 टू x की लिमिट होगी न्यू की क्यूब, तो न्यू की वैल्यू मेरे पास ये पड़ी kt अपॉन h x की क्यूब इंटू डी न्यू है, यहाँ पे डी न्यू की वैल्यू मैंने निकाल रखी है kt अपॉन h इंटू dx अपॉन e की पावर क्या आ जाएगा, h न्यू ओवर में kt को मैंने क्या लेट किया है, x, तो e की पावर x माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, यही चीज को मैं एक बार वापस लिख रही हूं इधर, किसकी वैल्यू, e की वैल्यू, e की वैल्यू क्या है, 4πvh अपॉन इनटू सॉरी 2 अपॉन vt की क्यूब प्लस 1 अपॉन vl की क्यूब इनटू 0 टू xd, यहाँ पे बनेगा kt अपॉन h की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि एक kt अपॉन h की क्यूब, ये बड़ा kt अपॉन h, यहाँ पे एक सिंगल बड़ा kt अपॉन h की पावर 4, तो kt अपॉन h की पावर मैंने 4 लिख दिया, इंटू एक्स की क्यूब अपॉन e की पावर x माइनस 1 डॉट dx, यही चीज की है ना। देखो यहाँ पे बना kt अपॉन h की क्यूब और यहाँ पे kt अपॉन h वैसे पड़ा था, तो मैंने उसको अगले स्टेप में लिखने के बजाय मैंने ये पे इसकी क्यूब कर दी, kt अपॉन h भी एक कांस्टेंट आ रहा है, तो यहाँ से मेरे पास 4πvh अपॉन 2 vt की क्यूब प्लस 1 अपॉन vl की क्यूब इनटू kt अपॉन h बाहर ले लूं क्योंकि कांस्टेंट है, kt अपॉन h सॉरी नॉट 4 h की पावर 4 होगी ना पावर 0 टू xt इंटीग्रेशन, यानी कि x की क्यूब अपॉन e की पावर x माइनस 1 डॉट dx। अब देखो, अब मेरे पास अब इसको और सॉल्व करना है मुझे, लेकिन मुझे एक चीज पता है, 4πv इंटू 2vt की क्यूब की मैंने कुछ वैल्यू निकाली थी, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, वो वैल्यू मैंने क्या निकाली, 9n अपॉन न्यू डी की क्यूब, इसीलिए मैंने इसको आगे सॉल्व किया था, क्योंकि मुझे पता था मैंने आगे भी यही टर्म बननी है और इसकी वैल्यू मैं सिंपल में लिख दूंगी, जो मेरे पास वैल्यू की 9n न्यू डी की क्यूब, तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू रखती हूँ 9n
एक एच पड़ा था तो एच लिख दिया न्यू डी की क्यू, ठीक है। और देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक चीज बता रही हूँ आपको, मैंने एक्स क्या माना था, एच न्यू अपॉन के डी, एक्स डी क्या हुआ था, एच न्यू डी अपॉन के डी। अब मेरे पास देखो के टी अपॉन एच पड़ा है, यहाँ पे के टी अपॉन एच की पावर 4 पड़ी है, और अगर मैं यहाँ पे इसको देखूं के टी अपॉन एच बनाऊ इसको, तो मेरे पास क्या बनेगा, न्यू डी अपॉन एक्स डी बन जाएगा। ये बना ना, ये के टी अपॉन एच, इसको इधर डिवाइड में भेज दिया, और फिर मैं ये एच अपॉन के टी बनता, मुझे के टी अपॉन एच चाहिए तो उसको रिवर्स कर सकती हूँ। ये वैल्यू आपको समझ आई होगी मेरे हिसाब से, नहीं आई तो एक बार फिर से देखते हैं अपने, वैसे तो आ गई होगी, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। एक्स टी अपॉन न्यू डी लिख दो तो कितना आया, एच अपॉन के टी आया। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, के टी अपॉन एच पड़ा है मेरे पास, तो मैं के टी अपॉन एच क्या लिख सकती हूँ, न्यू डी अपॉन एक्स डी, ये लिख सकते हैं अपने, वो वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, इंटू न्यू डी अपॉन एक्स डी, यही आया कि पावर कितनी है 4, तो जितना कैंसिल आप होता है उतना हम कैंसिल कर देंगे, अपने पास बचेगा क्या, आप यहाँ पे देखो जो बचेगा वो अपने यहाँ पे लिख देंगे, काटो यहाँ से न्यू डी की क्यूब से न्यू डी कट गया, तो 9nh अपॉन एक्स टी की पावर 4 इंटू न्यू डी बचा। यहाँ पे इंटीग्रेशन, एक मिनट रुको, इसको इंटीग्रेशन लिखने के बजाय एक स्टेप और थोड़ा सा कम कर लेते हैं, देखो एक मिनट, यहाँ पे देखो मैंने 9n h एज इट इज, ये वाला h अपॉन न्यू डी की क्यूब तो मेरा बना, इसकी वैल्यू क्या, मैं के टी अपॉन एच को अलग लिख लूं और एक के टी अपॉन एच की क्यूब लिख दूं ताकि न्यू डी की क्यूब कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि मेरे को पता है के टी अपॉन एच की वैल्यू क्या, न्यू डी अपॉन एक्स डी है, तो मैं वो वैल्यू यहाँ पे रख रही हूँ, एक एच से एक एच भी गया, तो यहाँ पे क्या बना, 9n के टी अपॉन न्यू डी की क्यूब इंटू न्यू डी की क्यूब अपॉन एक्स डी की क्यूब, तो न्यू डी की क्यूब तो न्यू डी कैंसिल, ये वाली टर्म जो है ये एक बार आप लिखते रहना, ये आपके लिए मैंने ये जो इन ये जो साइन मैंने बनाया इसका मतलब ये चीज आएगी यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले मैं की पावर 4 वाली वैल्यू रख रही थी, मैंने 4 की ना रख के क्यूब की रखी ताकि न्यू डी की क्यूब कैंसिल आउट हो जाए, ऊपर न्यू डी ना बचे, और ठीक है ये एच से एच कट गया। अब अगले स्टेप में मैं आपको बताती हूँ, देखो आगे क्या क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको, e की वैल्यू क्या है, यहाँ से 9n k t अपॉन एक्स डी की क्यूब बना, 0 टू एक्स डी x की क्यूब अपॉन e की पावर x माइनस 1 डॉट dx, कितनी इंटीग्रेशन बची। अब मुझे पता है आइंस्टीन ने आइंस्टीन टेम्परेचर दिया था, आइंस्टीन टेम्परेचर क्या दिया था उसने, h न्यू अपॉन k, है ना, जिसको उसने थीटा e से शो किया था। सिमिलरली इसको h न्यू अपॉन k को थीटा या टेम्परेचर क्यों बोला, क्योंकि जब इनकी यूनिट्स को आप सॉल्व करोगे इनके डायमेंशन को, वो डायमेंशन टेम्परेचर के इक्वल आती है उसकी यूनिट, तो टेम्परेचर के इक्वल आने के कारण इसको टेम्परेचर नाम दिए गए थे, ठीक है। तो सिमिलरली जो एक्स टी है उसकी वैल्यू क्या है, एच न्यू टी अपॉन के टी, तो ये जो एक्स टी है वो एच न्यू अपॉन के है, इसको भी इसको डिबाई ने क्या माना, डिबाई टेम्परेचर नाम दिया, उस डिबाई टेम्परेचर की वैल्यू क्या आई, थीटा डी, क्योंकि डिबाई है एच न्यू डी अपॉन के को डिबाई ने क्या माना, डिबाई टेम्परेचर, तो वो डिबाई टेम्परेचर की वैल्यू मैं जब यहाँ पे लिखूंगी तो यहाँ से एक्स डी की वैल्यू क्या बनेगी, थीटा डी अपॉन टी। देखो ये एच न्यू अपॉन के है ना, इसकी यूनिट जो होती है वो टेम्परेचर की यूनिट के इक्वल आती है, इसीलिए जिस साइंटिस्ट ने जैसा एक्सपेरिमेंट दिया उसने अपने ही नाम पे इसका टेम्परेचर नाम दे दिया, तो इसको डिवाई ने क्या माना, ये डिवाई टेम्परेचर होता है जिसको थीटा डी से शो करते हैं, जिसकी वैल्यू आती है एच न्यू अपॉन के। तो मेरे पास यहाँ पे एक्स डी पड़ा है, मुझे एक्स डी और थीटा डी यानी डिवाई टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन मिला जो कि क्या है, थीटा डी अपॉन टी। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आई, 9n के टी अपॉन एक्स डी की वैल्यू मैं लिखूं थीटा डी की क्यूब, क्योंकि यहाँ पे एक्स डी की क्यूब है, इंटू टी की क्यूब, 0 टू एक्स डी एक्स की क्यूब अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 डॉट डी एक्स। इसको थोड़ा और सॉल्व करूं तो 9n के टी की पावर 4 अपॉन थीटा डी की क्यूब,
जीरो टू एक्स डी एक्स की क्यूब ई की पावर एक्स माइनस वन डॉट डी एक्स, ये किसकी वैल्यू है, ई की। अब इसको अपने को सॉल्व करना है इस वैल्यू को, ठीक है। अब इसको सॉल्व हम दो तरीके से करते हैं, अपनी यहीं पे भी कंडीशन लगा लेते हैं। देखो ये वैल्यूज मैंने आपको आइंस्टीन टेम्परेचर में भी बताई थी, आइंस्टीन टेम्परेचर क्या होता है, जब आइंस्टीन थ्योरी की थी उसी तरीके से मैंने डिबाई थ्योरी करवाई, तो वहां पर डिबाई ने अपना नाम दे दिया डिबाई टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां से इसको ऐसे किया उन्होंने। अब देखो, अब दो केस बनते हैं, एट केस फर्स्ट है एट हाई टेम्परेचर, अगर ये हाई टेम्परेचर है तो टी इज मच 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 ग्रेटर देन थीटा डी, कर दो किसके डिवाइड टेम्परेचर से ज्यादा बड़ा हो जाएगा टी की वैल्यू। अगर टी की वैल्यू डिवाइड टेम्परेचर से ज्यादा है तो मुझे पता है कि अब क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा अगर डिवाइड टेम्परेचर से, और मुझे पता है एक्स क्या होता है इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन के टी होता है। सिमिलरली एक्स डी क्या होता है, एच न्यू डी अपॉन के टी, ठीक है। अब टेम्परेचर ये जो टी है ये बहुत ज्यादा है, अगर एक्स के डिवाइड में किसी, मतलब टी को मैं टेंस टू इंफिनिटी बोल सकती हूँ, अगर वो बहुत ज्यादा है तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, जीरो, यानी कि एक्स टेंस टू क्या आना शुरू हो जाएगा, जीरो शुरू हो जाएगा। देखो कैसे किया मैंने, केस फर्स्ट लिया क्योंकि प्रैक्टिकली वैल्यूज हाई और लो टेम्परेचर पे मैच नहीं हो रही थी, इसीलिए डिवाई ने जब डेरिवेशन किया तो उसने यहीं पे केस ले लिए, फर्स्ट केस ले लिया जब टेम्परेचर हाई हो और सेकंड केस जब टेम्परेचर लो, अगर वैल्यूज मैच करे तो इसका मतलब जो डिवाई ने माना है वो एकदम सही चीज है। तो यहाँ पे देखो, तो डिवाई ने क्या माना कि जब टेम्परेचर इस डिवाई टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो मुझे पता है एक्स इज इक्वल टू, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा, मतलब टेम्परेचर टेंस टू इन्फिनिटी कर दो, हाई टेम्परेचर का मतलब यही पता है कि वो अनंत की ओर जाएगा, अपने को मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी पता है। अगर एक्स इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन के टी होता तो मुझे पता है अगर टी इन्फिनिटी हो रहा है तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, यानी एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो जब यही चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी तो इसकी वैल्यू क्या आई एनर्जी की, E इज इक्वल टू नाइन एन के टी की पावर फोर अपॉन थीटा टी की क्यूब, यहाँ पे जो चीज थी मैंने एज इट इज लिखी, जीरो टू एक्स टी। जब ये बहुत बड़ा था तो मैं इसको एक्सपेंशन से सॉल्व कर सकती हूँ, e की पावर x का x की क्यूब, जब x टेंस टू जीरो होता है, जब लिमिट जीरो की अप्रोच करने शुरू होती है तब हम e की पावर x का एक्सपेंशन करते होते हैं। तो e की पावर x का मुझे एक्सपेंशन पता है, वन प्लस x की पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस x की पावर टू अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस सो ऑन करके चलता रहेगा जितनी भी वैल्यूज आनी है मैक्सिमम। और एक ये माइनस वन पड़ा तो मैंने माइनस का वन लिख दिया, मुझे पता है ये प्लस का वन और माइनस का वन कैंसल आउट हो गया। एक्सपेंशन आपको आता होगा, ये एक्स की पावर जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल होता है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, एक्स की पावर जीरो इज वन होती है, ये ऐसे होता है एक्सपेंशन। जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ई की पावर एक्स हो तो इसका एक्सपेंशन ऐसे होता है, एक्स की पावर जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर टू अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस सो ऑन ऑन चलता रहता है, ठीक है। अगर एक्स की पावर जीरो की वैल्यू वन नहीं होगी, समथिंग की पावर जीरो वो वन होती है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू भी वन होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वन लिख दिया। ये अगर चीज कैंसिल आउट होगी, अब एक्स जीरो के टेंस अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे देखो एक छोटी सी चीज, यानी कि एक मेरे पास पॉइंट टू है, ठीक है, यहाँ पे, और मेरे पास अगली क्या बनेगी, पॉइंट टू का स्क्वायर, तो अगला क्या बनेगा, जीरो पॉइंट फोर बनेगा, इसका स्क्वायर सॉल्व करूं, मतलब इसकी कंपैरिजन में और कम वैल्यू आ रही है स्क्वायर करने पे। अगर और कम आ रही है तो मैं हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दूं, मतलब जितनी वैल्यू इसकी आएगी उससे और भी ज्यादा कम आएगी, तो मैं हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करती हूँ, तो मेरे पास यहाँ से ई की वैल्यू क्या आएगी, नाइन एन के टी की पावर फोर अपॉन थीटा टी की क्यूब इन टू जीरो टू एक्स टी एक्स की क्यूब अपॉन, एक एक्स ही बच गया, हायर टर्म्स को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया और ये माइनस टू प्लस वन कैंसिल आउट हो गए, डॉट डी एक्स, एक्स की स्क्वायर से क्यूब से एक बच गया, तो मेरे पास यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आई, नाइन एन के टी की पावर फोर अपॉन थीटा डी की क्यूब डॉट एक्स की स्क्वायर बचा सिर्फ डॉट डी एक्स जीरो टू एक्स टी। अब मेरे को जब इसको सॉल्व करना है, ई की वैल्यू क्या आएगी, नाइन एन के टी की पावर फोर अपॉन थीटा डी की क्यूब डॉट एक्स की स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स की क्यूब अपॉन थ्री, है ना, एक्स डी टू जीरो लिमिट है जो मैंने लगा दी, तो उसको सॉल्व करूंगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नाइन एन के टी की पावर फोर अपॉन थीटा डी की क्यूब डॉट एक्स डी की क्यूब अपॉन थ्री, यही चीज बचेगी,
जीरो रखूंगी तो उसकी वैल्यू ऐसे ही जीरो आ जाएगी। अब मेरे पास एक्स टी और थीटा टी के अंदर एक रिलेशन पड़ा है जो हमने अभी यूज किया था, वो रिलेशन क्या है, एक्स टी कहाँ पे गया वो रिलेशन, वो रिलेशन हम शायद रिमूव कर चुके हैं। चलो हमने वापस बना लेते हैं वही रिलेशन। मुझे पता है एक्स टी क्या है, एच न्यू डी अपॉन के टी। अब एच न्यू अपॉन के की वैल्यू क्या है, थीटा डी के इक्वल है, थीटा डी अपॉन टी। तो यहां से जो मेरे पास एक्स डी की क्यूब आई है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 9n के टी की पावर 4 अपॉन थीटा डी की क्यूब डॉट। एक्स डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये 9 टू ये 3 टू 3 भी काट दो, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 3 लिख देती हूँ, 3n के टी की क्यूब 4 अपॉन थीटा डी की क्यूब। अब एक्स डी की वैल्यू क्या मेरे पास क्या है, थीटा डी अपॉन टी, मैं वो वैल्यू यहाँ पे रखती हूँ, इंटू थीटा डी अपॉन टी का क्यूब था तो मैंने क्यूब लगा दिया, एक थीटा डी के क्यूब से थीटा डी की क्यूब कैंसिल, टी की क्यूब से टी की पावर 4 कटा, तो मेरे पास क्या बचा 9n के टी रह गया ओनली यहाँ पे, सॉरी 9n की जगह 3n हो गया, 3n के टी, n इंटू के कितना आता है r के, तो यहाँ से इसकी वैल्यू है क्या है 3rt के। तो यहाँ से जब मैं cv निकालूंगी तो cv क्या निकलता है, dv अपॉन dt, तो cv की वैल्यू क्या आएगी 3rt d by dt, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3r के इक्वल आएगी cv की। तो हाई टेम्परेचर पे तो सब बता रहे थे, डिलोंग पैटिट ने भी बताया अपने तरीके से, आइंस्टीन ने भी बताया, सिमिलरली डिबाई ने भी बता देगी, हाई टेम्परेचर पे तो ये चीज फॉलो कर रही है, सीवी थ्री आर के इक्वल आ रही है। अब मेन पंगा कहाँ पे आ रहा है, लो टेम्परेचर पे, क्यों, क्योंकि लो टेम्परेचर पे सीवी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, टी की क्यूब के प्रोपोर्शनल। अब देखते हैं कि डिबाई ने जो थ्योरी दी थी क्या उसके अंदर टी की क्यूब के प्रोपोर्शनल आता या नहीं आता। देखो यहाँ से अपने केस बनाना शुरू किया था इस इक्वेशन से, वापस इसी इक्वेशन पे आते हैं और अपने केस थर्ड सेकंड लेते हैं। अपना केस सेकंड क्या बनेगा, केस सेकंड अब क्या आएगा, टेम्परेचर लो करना है एट लो टेम्परेचर, तो मुझे लो टेम्परेचर पता है, लो मतलब टी इज मच 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 लेस देन थीटा डी कर दो, ये चीज करूंगी, टी अगर थीटा डी से बहुत कम है तो मुझे पता है x is equals to t theta d से कम मतलब t tends to अब जीरो हो रहा है, कम हो रहा मतलब जीरो के अप्रोच जा रहा है, जब t ज्यादा हो रहा मतलब अनंत की तरफ जा रहा है, तो मुझे पता है x is equals to h nu upon kt, तो something upon zero is infinity, यानी कि अब x tends to क्या आ रहा है, infinity। जब x tends to infinity होता है तब हम standard integrations का use करते हैं, तो मेरे पास e की value क्या आई है वहां पे 9n k, जो अपने फाइनल इक्वेशन जिस पे अपने केसेस अप्लाई कर रहे थे 9n k t की पावर 4 अपॉन थीटा d की क्यूब 0 टू x d लिमिट पे इंटीग्रेशन x की क्यूब e की पावर x माइनस 1 डॉट dx। जब x टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाता है तब हम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, तब इस इंटीग्रेशन की वैल्यूज आप याद रखो, उसकी वैल्यू आती है पाई की पावर 4 अपॉन 15, ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा कि इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का मान यही आएगा, आप साइड पे अपनी नोटबुक में लिख भी लेना कि 0 टू एक्स डी एक्स की क्यूब अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 डॉट डी एक्स इज इक्वल टू पाई की पावर 4 बटा 15। देखो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, मैंने यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन क्यों नहीं लगाया, बाइनोमियल एक्सपेंशन या ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन हम तब लगाते हैं जब हमारी लिमिट टेंस टू जीरो हो रही होती है। अब यहाँ पे लिमिट टेंस टू जीरो नहीं, लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, जब अनंत की तरफ जा रही होती है तब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन या ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन कभी भी नहीं करोगे और होता भी नहीं एक्सपेंशन, एक्सपेंशन जब भी आप लगाते हो तब लिमिट टेंस टू जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी था इसलिए स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की वैल्यू आप याद रखो पाई की पावर 4 अपॉन 15 आती है। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या है 9n k पाई की पावर 4, देखो 9 से जो कटता है वो यहाँ पे लिखते हैं 9n k t की पावर 4 अपॉन थीटा d की क्यूब इंटू पाई की पावर 4 बटा 15। तो यहाँ से उसको 3 के टेबल से काटते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे 5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं इंटीग्रेशन की वैल्यू यहां से रिमूव कर रही हूं, ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या बनी e की 3n k t की पावर 4, एक पाई भी बच गया ना, तो 3n
थ्री एन पाई लिख देते हैं, ठीक है, थ्री एन पाई अपॉन टी की पावर फोर थीटा डी की क्यूब बचा, यही बचा एनर्जी को सोल्व करके। अब मुझे पता है सीवी क्या आती है, डीई अपॉन डीटी के इक्वल आती है। लो टेम्परेचर पे क्या पंगा आना चाहिए, सीवी टी के क्यूब के प्रोपोर्शनल आना चाहिए। अब आता है या नहीं आता ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहां से इसकी वैल्यू डी बाई डी टी थ्री एन पाई टी की पावर फोर अपॉन थीटा डी की क्यूब, ये सब तो कॉन्स्टेंट सब बाहर आ जाएंगे, सिर्फ टी की क्यूब के प्रोपोर्शनल टी की पावर फोर का होगा। तो यहां से आएगा थ्री एन के पाई टी की थीटा डी की क्यूब थीटा डी की क्यूब। अब जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे वो क्या बनेगा, फोर टी की क्यूब। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी, बारह एन पाई के, ये पाई है ठीक है, जो अजीब सा बना है यहां पे, टी की क्यूब अपॉन थीटा डी की क्यूब। तो यहां से सीवी की वैल्यू क्या आ रही है, ये सब तो कॉन्स्टेंट है, सीवी इज इक्वल्स टू दिस। तो सीवी की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, टी की क्यूब के आ रही है। जब प्रोपोर्शनल हटता है तभी कॉन्स्टेंट का साइन आता है, कॉन्स्टेंट आते हैं तो ये सारे कॉन्स्टेंट है। तो यहां से पता चला कि सीवी की वैल्यू टी की क्यूब के प्रोपोर्शनल के इक्वल आ रही है। तो जब इतने दिनों से हम स्पेसिफिक हीट कर रहे थे कि प्रैक्टिकली और थियोरेटिकल रिजल्ट मैच नहीं कर रहे थे, इसीलिए थ्योरीज फेल होती जा रही थी और उनके उनको उनकी जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए हमारे पास और थ्योरीज आ रही थी। तो आइंस्टीन और डिलोंग की जो कमी थी उसको दूर करने के लिए डिवाई थ्योरी आई, और डिवाई थ्योरी से सीवी टी की क्यूब के प्रोपोर्शनल आया। मेरे हिसाब से आपको डेरिवेशन समझ आया होगा, सिंपल स्टेप किए, जो चीजें मैंने लट की थी वो मैंने लट करके लिखी और उसको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना पड़ा कि मेरे को जो जो चीजें मैंने अजम्पशंस मानी थी उनको सॉल्व करके लिखा। फिर मैंने दो केसेस लगा दिए, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन मुझे पता है इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो एक्स जीरो की तरफ जाएगा। अगर एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो मुझे पता है मैं एक्सपेंशन लगा सकती हूँ की पावर एक्स का, तो वो मैंने एक्सपेंशन लगाया, जो मैंने आपको यहाँ पे अलग से लिख के भी बताया वो क्या होता है। फिर उसको सॉल्व किया और जो वैल्यूज बनती थी वहां से मैंने सिंपल सीवी निकाल लिया, डी बाई डी टी के इक्वल। यहाँ से सीवी थ्री आर के इक्वल आ गया। मुझे पता है हाई टेम्परेचर पे तो सारी की सारी थ्योरीज बता रही है, लेकिन लो पे बताए तो बात सही बनेगी क्योंकि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स मैच करेंगे। और अगर लो पे बताने वाली थ्योरी मॉडल थ्योरी थी जो डिबाई की थ्योरी थी, क्योंकि डिबाई के अजम्पशंस सही थे, हम भी देख सकते हैं आइंस्टीन ने सही नहीं माना था कि एक एटम सॉलिड के अंदर एटम इतने पास थे, फिर भी उसने ये बोला कि एक एटम ओसिलेट करेगा तो उसके साथ दूसरे किसी एटम पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा। लेकिन अगर इतने पास पड़ी हुई चीज में से किसी एक चीज कोई एक एटम हिलना शुरू करे तो उसके साथ वाले भी तो ऑटोमेटिकली हिलेंगे ना। तो डिबाई ने इस चीज को मानते हुए इसने इसको सही इसको आगे प्रूव किया और वो वैल्यूज भी सही है क्योंकि उसके अजम्पशंस सही थे। फिर टेम्परेचर, लो टेम्परेचर T टर्न्स टू जीरो हुआ, लो मतलब T जीरो की तरफ जा रहा है, तो X G इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, X इन्फिनिटी की तरफ लिमिट जा रही है, इसीलिए हम एक्सपेंशन नहीं लगा सकते। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की वैल्यू आप याद रखोगे, पाई की पावर चार बटा पंद्रह आता है और उसको जैसे कट किया वो काटा, और सीवी की वैल्यू जो भी है ये कॉन्स्टेंट्स इंटू टी की क्यूब आया, मतलब सीवी टी की क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मैच किए, इसीलिए डिबाई थ्योरी सही है। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट या डिबाई थ्योरी है तो आपको ये लिखना है विद अजम्पशंस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।